हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व जनरल साइंस क्वेश्चंस फॉर स्पेशली रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम। सो दिस इज पार्ट टू वीडियो एंड इन पार्ट वन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 1 to 50। सो हियर वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 51 to 100। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन and never miss any video of a farmer ox. First subscribe, press on bell icon. Farmer ox pharmacist exam study material booklet is available for pharmacist exam preparation. You may contact us on 9016312020 to order this book. All information provided in this video is based on the old examinations. Questions are extracted from previous exams. These questions from a old government pharmacist examinations as well as various competitive government exams. Solve the questions carefully. All the best and good luck for your exam preparation. So here is question number 1. The symbol of silver is AG. 52. The symbol of SR stand for strontium. ओके, जो स्ट्रॉन्टियम मेटल आता है उसके लिए सिंबल जो है वो है SR. 53. द सिंबल RB स्टैंड्स फॉर रूबिडियम. ओके, RB इट मींस रूबिडियम. 54. द सिंबल MD स्टैंड्स फॉर मेंडेलिव. ओके, MD इट मींस मेंडेलिव. 55. कैल्शियम सल्फेट इज कॉमनली कॉल्ड पेरिस. कैल्शियम सल्फेट, ओके, जो हम कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो पेरिस क्या है मटेरियल, तो इट इज ए कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट जब फ्रैक्चर होता है किसी को बोन रिलेटेड, ओके, तो जो मटेरियल लगाया जाता है उसको हम कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं खासकर. ओके, सो वो पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट है केमिकली. 56. सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज ए वॉशिंग सोडा. ओके, वो वॉशिंग सोडा मतलब कि सोडियम कार्बोनेट. सोडियम क्लोराइड इज कॉमनली नोन एज अ कॉमन सॉल्ट. ओके, कॉमन सॉल्ट कहते हैं NaCl को. नेक्स्ट 59. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर इज ए सोडियम बाइकार्बोनेट. 60. द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट. सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट. फॉर्मूला HCl स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द फॉर्मूला H2SO4 स्टैंड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. द फॉर्मूला CHCl3 स्टैंड फॉर ट्राइक्लोरोमीथेन. ट्राइक्लोरोमीथेन. नेक्स्ट इज 64. द फॉर्मूला H2O2 इट मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड. 65. अ फंगस विच कैन ओनली सर्वाइव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए ऑब्लिगेट पैरासाइट. ओके, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस माइक्रो रिलेटेड. ओके, ए फंगस विच कैन ओनली सर्वाइव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए ऑब्लिगेट पैरासाइट, कि उसके लिए सर्वाइव करने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म का वो बेनिफिट लेते हैं. ओके, सो उस तरह की जो फंगस है उसको कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट. नेक्स्ट इज अ प्लांट विच लिव्स इन द डार्क इज कॉल ए स्कॉटोफाइट. ओके, स्कॉटोफाइट, प्लांट को मेनली डार्क में ही रखना पड़ेगा तो उसको हम कहेंगे स्कॉटोफाइट. अ प्लांट एडेप्टेड टू लिव इन ए ड्राई प्लेसेस. ओके, टू लिव इन ए ड्राई प्लेसेस इज कॉल ए xerophyte, मतलब कि जो डिजर्ट जैसे एरिया होता है कि जहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है. ओके, सो इसको हम ड्राई प्लेसेस कहेंगे. और ड्राई प्लेसेस के लिए जो हम प्लांट एडेप्ट करते हैं मेनली, तो इनको कहा जाता है xerophyte. अ प्लांट एडेप्टेड फॉर ग्रोथ इन ए वाटर इज कॉल ए hydrophyte. ओके, मतलब कि जो मेनली जिनको पानी की जरूरत रहती है ज़्यादा. ओके, और मेनली वो पानी के अंदर ही ग्रोथ होते हैं. ओके, अ प्लांट एडेप्टेड फॉर ग्रोथ इन वाटर इज कॉल ए हाइड्रोफाइट.
Bifocal lens, bifocal lens was invented by Benjamin Franklin. Okay, bifocal lenses, lens was invented by Benjamin Franklin. Next is 70, cement was invented by Joseph Aspdin. Okay, Joseph Aspdin. 71, laser was invented by Dr. Charles H. Townes. Electromagnet was invented by William Sturgeon. Rayon was invented by Sir Joseph Swan. Thermostat is an instrument used for regulating constant temperature. Okay, constant temperature ko maintain karne ke liye jo instrument use hota hai isko kehte hai thermostat. The science of organic forms and substance structures is known as a morphology. Phycology is the study of algae. Okay, जो algae related जो हम study करते हैं इसको हम कहते हैं phycology. 77, Tata Institute of Fundamental Research was established in year 1945. CSRI stands for Council of Scientific and Industrial Research. Okay, CSIR का full form आपको पता होना चाहिए, Council of Scientific and Industrial Research. ISRO stands for Indian Space Research Organization. Indian Space Research Organization. The first human being to land on a moon was a Neil Armstrong. The first Indian in space was a Rakesh Sharma. Okay, Neil Armstrong तो सबको पता है. Okay, so इसमें कोई कोई इतना common question नहीं रहेगा, but 81 number is very important for you. Okay, कि जो first Indian in space was a Rakesh Sharma. Next is, the first Indian in space was a Rakesh Sharma. ISAC, okay, ISAC, it means ISRO Satellite Center. IS it means ki ISRO, okay, and Satellite Center. VSSC stands for Vikram Sarabhai Space Center. The headquarter of ISRO is located at Bangalore. Okay, this is IMP question ki ISRO ka headquarters pucha ja sakta hai, to it is a Bangalore. VSSC is located at Thiruvananthapuram. VSSC का हमने ऊपर फुल फॉर्म दे दिया आपको, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. ओके, ISAC इज लोकेटेड एट बेंगलोर. ओके, सो इसरो का भी हेडक्वार्टर्स बेंगलोर, ISAC का भी जो हेडक्वार्टर्स है वो है बेंगलोर ही है. नेशनल साइंस सेंटर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. ओके, नेशनल साइंस सेंटर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. Central Tobacco Research Institute is located at a Rajahmundry. Okay, Rajahmundry. Okay. Next is, Indian Institute of Horticultural Research is located at Bangalore. The Atomic Energy Commission was set up in August 1948. The first Indian satellite was a Aryabhatta. ओके, ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, तो वो है आर्यभट्ट. द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च इन द ईयर 1975. ASLV स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ओके, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ओके, ऐसा ही सिमिलर पूछा जाता है PSLV. ओके, सो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर देना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV. 94, इनसेट स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल सैटेलाइट. ओके, इंडियन नेशनल सैटेलाइट. 95, द फियर ऑफ वुमन इज नोन एज ए गाइनोफोबिया. गाइनोफोबिया जिसको कहा जाता है द फियर ऑफ वुमन. The fear of man is called androphobia. Okay, ये जो similar जो है पूछे जा सकते हैं. Androphobia मतलब कि the fear of man, and
A fear of women is a gynophobia. The scientist who developed the quantum theory, तो वो थे Max Planck. Okay, Max Planck ने quantum theory जो है वो develop की थी. The steam engine was invented by James Watt. The botanical name of a tea is a Camellia sinensis. Okay, Camellia sinensis. And the 100 number logarithms were devised by John Napier. Okay, John Napier logarithms were devised by John Napier. So here we solve 100 questions of general science in part 1 and 2. Okay, you can also join our WhatsApp groups. Okay, so to join the WhatsApp group, send your name and city name and WhatsApp it on 94261808 36 PharmaOps WhatsApp groups. So thank you friends for watching this video. Share video and subscribe the channel. Press on bell icon to get the notification. You can contact Mr. Amar Rawal on WhatsApp number 90163120200, owner and founder of PharmaOps, the way of success.